नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कुक विद पिंकी चैनल में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बेसन और सूजी से बनाए जाने वाली रेसिपी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कटोरी बेसन, एक कटोरी सूजी ली है। सूजी हम बारीक वाली लेंगे, अगर मोटी सूजी हो तो मिक्सर में डालकर एक दो बार चला लेंगे, हल्की बारीक हो जाए। ज़्यादा मोटी सूजी नहीं लेनी है। सूजी को साइड में रख देंगे। ये एक कटोरी दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है पानी डाल के। छाछ टाइप का बना लेंगे, जिस तरह का मैंने बनाया है इसी तरह का। इस दही में हम डालेंगे नमक आधा चम्मच। नमक डालने के बाद मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे सूजी। पहले सूजी का क्या है कि डालने से इतने लम्स नहीं पड़ते, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सूजी को। सूजी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें ऐड कर देंगे बेसन जो हमने लिया था एक कटोरी। अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिस तरह से सूजी को मिक्स किया था उसी तरह से बेसन को भी। बेसन पूरी तरह से मिक्स हो जाए, उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, आपको इतना मिक्स करना है। अब ये मैंने मिक्स करके रेडी कर दिया है। इसको ढककर 5 से 6 घंटे तक रखेंगे, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 5 घंटे हो गए हैं, बेसन और सूजी अच्छे से फूल गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पेस्ट बना है फूल कर। अब इसको फिर से मिक्स कर देंगे, इससे क्या है इसकी एयर निकल जाएगी इसमें से। अगर बैटर आपको ठीक लगता है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसकी थिकनेस इस टाइप की होनी चाहिए, जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ। बैटर परफेक्ट बन गया, इसको साइड में रख देते हैं। अब एक पतीले में लेंगे पानी, पानी को गैस पर गर्म करने के लिए रख देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच तेल, आपके पास कोई भी कुकिंग ऑयल हो उसको भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल और बैटर में पता नहीं चलना चाहिए, इतने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे इनो, आप पाउच डालना चाहते हैं तो एक पाउच इनो का परफेक्ट रहेगा इस बैटर में, जितना मैंने नाप बताया उसके हिसाब से। मैंने ये 1 चम्मच से कम इनो डाला है इसमें। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इनो के ऊपर, क्या है कि इससे अच्छे से इनो मिक्स हो जाती है। इनो डालने के बाद इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से चला कर साइड में रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बर्तन में हम बनाएंगे, उस बर्तन को तैयार करके रख लेंगे। ये मैं इडली स्टैंड में बना रही हूँ। पहले इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से, मैं करके दिखा रही हूँ, हाथ से ही कर रही हूँ मैं। इसी तरह से ग्रीस करेंगे। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था उसको डाल लेंगे आराम से, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप उसी तरह से डालें। 1 से 1.5 चम्मच जैसा आपका फ्रेम हो उसी हिसाब से। सभी में पेस्ट डाल दिया है, अब इसके स्टैंड में फिक्स कर देंगे। स्टैंड में फिक्स करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। पानी में उबाल आ गया है, इसको ढकने के बाद 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपको नाइफ से चेक करके दिखा रही हूँ। देखिए नाइफ के ऊपर चिपका नहीं है। अब इसको बाहर निकाल के रख दिया है, ठंडे हो गए हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, बेसन और सूजी की बनाए जाने वाली इडली को। अब इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसमें डालेंगे तेल। तेल हल्का गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे राई 1 चम्मच, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ते हैं कुछ, उनको ऐड कर देंगे। 1 नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। तड़का बनकर रेडी हो गया। अब इसमें इडली छोड़ देंगे जो हमने इडली बनाई थी अभी। अगर आप इस तरह की खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर बच्चे बड़े कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है तो इस पर सॉस डालकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप भी बनाइए ये रेसिपी। अगर रेसिपी आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको आप बच्चों के टिफिन में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बनाने में भी वक्त नहीं लगता है।
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।